नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के विषय में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कब होगी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मैं इस वीडियो में सारी चीज़ बताऊँगा राजस्थान पुलिस के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा अगले महीने ली जा सकती है। परीक्षा के लिए सभी प्रकार की तैयारियों पर विचार किया जा रहा है। परीक्षा कार्यक्रम ऑफलाइन आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थी की संख्या को देखते हुए विभाग बहुत सतर्कता के साथ परीक्षा केंद्रों का चयन करेगा। परीक्षा कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित होगा पूरे प्रदेश में। राजस्थान पुलिस इस बार परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव भी कर सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पदों पर जारी हुई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अगले माह करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा इस बार ऑफलाइन होगी, जो सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा में धांधली के आरोपों के चलते पहली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली गई थी। परीक्षा के पहले चरण में ही हैकिंग जैसी घटनाएं देखने को मिली। पूरे प्रदेश में परीक्षा को लेकर नकल की घटनाएं सामने आने लगी। नकल और धांधली करने के लिए अभ्यर्थियों ने अपने अंगूठे के क्लोन तक बना लिए। परीक्षा के पहले चरण में इतनी बड़ी धांधली और हैकिंग जैसी घटनाओं के बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा की जगह इस बार ऑफलाइन माध्यम से ही परीक्षा ली जाएगी। पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम डेट के अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से बहुत सर्च करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, तो देखते हैं राजस्थान पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड के बारे में। तो राजस्थान पुलिस परीक्षा जो भर्ती होनी है आरक्षी पदों पर, बड़ी भर्ती के लिए एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया की भी शुरू की जानी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 के साथ ही अब नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। राजस्थान पुलिस में इस बार पंफर भर्ती के लिए सभी प्रदेश सहित सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 17 लाख से अधिक आवेदन आए थे। इस नई भर्ती के साथ ही आवेदनों की संख्या बढ़ेगी। राजस्थान पुलिस में इस बार नागौर जिले के लिए पहली बार विज्ञप्ति में कोई पद नहीं थे, लेकिन सूचना ब्यूरो के सभी पदों को नागौर से जोड़ दिया गया। वाहन चालक के 13 पदों में से 3 पदों को नागौर जिले में जोड़ दिया गया और शेष बचे 10 पदों को सूचना ब्यूरो में रखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है।